नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश खान फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। आज हम बात करेंगे एक और रीजन पे जिससे कि आपका लोन क्यों नहीं होता है प्रॉपर्टी के ऊपर। जैसे कि आज बात करें कि हमने दो रीजन हमने पहले जान लिए थे। पहला सामूहिक रास्ता, दूसरा जो मकान के बाहर रास्ता है, जो एंट्रेंस है वो कितना फिट, जो रोड होना चाहिए वो कितने फिट का होना चाहिए। रोड के लिए हमने जानकारी ले ली, सामूहिक रास्ते की हमने जानकारी ले ली, कॉमन एंट्रेंस जिसको बोला जाता है वहाँ पर भी लोन होने में बड़ी दिक्कत आती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग लगता है, ब्याज रेट थोड़ी हाई चली जाती है तो वहाँ थोड़ी परेशानी आती है। तीसरा रीज़न जो होता है वो होता है आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल। आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है या नहीं है। टाइटल इन द सेंस की जो चेन होती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, जो चेन होती है जहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट होती है, या एटलीस्ट 13 साल पुरानी जो चेन होती है वो क्लियर होनी चाहिए आपकी। यानी प्रॉपर्टी पहले किसके पास थी, फिर आपके पास आई। अब जैसे मान लीजिए कि किसी ने 1000 गज खरीदा, 1000 गज में से आपको 500 गज ही बेचा है, तो 1000 गज से आगे बिकता बिकता 500 गज तक आया, 500 में से फिर टुकड़े हो गए, तो अब उनमें से क्या क्या डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हमारे पास आने चाहिए। काफ़ी बार होता है कस्टमर्स जो रजिस्ट्री आनी होती है या जो डॉक्यूमेंट आना होता है वो डॉक्यूमेंट बेचने वाले के पास रह जाता है और कस्टमर के पास में सिर्फ अपनी रजिस्ट्री होती है या अपने नाम का जो डॉक्यूमेंट होता है बस वही होता है। उससे पहले की सारी चेन उसके पास नहीं होती है, वो पुराने कस्टमर के पास ही पड़ी होती है, तब भी आपको लोन लेने में परेशानी आती है। तो कोशिश ये करें कि जितना एरिया आप खरीद रहे हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि 500 गज उसके पास पड़ा था, आपने उस पूरा का पूरा 500 गज लिया है, तो 500 गज तक के उसके पास जितने डॉक्यूमेंट पड़े हैं वो सारे के सारे आपके पास ओरिजिनल आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने जो रजिस्ट्री आपको करा के देगी सिर्फ वो आपके पास पड़ी है, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट उसके पास पड़े, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पर फिर लोन होने के टाइम पे ये होता है कि सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, बाद में पता पड़ रहा है कि सर ये डॉक्यूमेंट भी ओरिजिनल आने थे और नहीं आ पाए। दूसरी चीज उसमें जो आती है कि नाबालिग के नाम से अगर रजिस्ट्री होती है, अगर किसी नाबालिग का जिक्र आ रहा है रजिस्ट्री के अंदर और वो रजिस्ट्री आगे चल रही है और वो लेटेस्ट में है, मतलब कि आज भी अगर उसकी उम्र काउंट करते हैं तो वो आज भी वो नाबालिग ही है, उस केस में भी आपको लोन नहीं हो पाता है, कंपनी लोन नहीं करती। तो प्रॉपर्टी खरीदते टाइम भी ये चीज़ देख लें कि नाबालिग से रजिस्ट्री हो रही है, उसके बिहाफ पे जो रजिस्ट्री कर रहा है जो गार्जियन है, तो वहाँ पर भी आपको लोन होने में परेशानी आती है। कुछ नॉमिनल कंपनीज है जो कर भी देती है लेकिन वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चला जाता है, गवर्नमेंट बैंक से भी ज़्यादा रेट चला जाता है, जितने आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा चला जाता है, खर्चे भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा सा ये कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, भुगतना पड़ता है इसके ऊपर। तो कोशिश ये करें कि टाइटल चेन पूरा चेक करवा लें, आप जो जिससे प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उससे फोटोकॉपीज ले लें पूरी टाइटल चेन की, अगर कोई मिसप्लेस है तो उसका पता लगे, अगर कोई डॉक्यूमेंट उसमें से खोया हुआ है तो उसके FIR की कॉपी है नहीं है, खोया पाया कि उसके अंदर नोटिफिकेशन अखबार का है या नहीं है वो भी चेक करें, और अगर वो चेन आगे चल रही है आप तक जैसे जो चेन आ रही है उसमें से कोई डॉक्यूमेंट मतलब एरिया है प्रॉपर्टी का, कितना एरिया पहले था उसमें से कितना कटते कटते आपके पास आया, जैसे किसी ने कॉलोनी काटी है तो जिसने कॉलोनी की रजिस्ट्री कराई है, यानी सपोज करें कि 2-3 बीघा की ज़मीन है वो उसने रजिस्ट्री कराई थी, तो 2-3 बीघा लेने के बाद में उसने रजिस्ट्री काटी आगे, 2-3 बीघा लेने के बाद में उसने कॉलोनी काट दिया आगे। अब कॉलोनी में से आपने 3-4 बीघा की ज़मीन में से आपने सिर्फ 150-150 गज या 500 गज जो भी प्लॉट खरीदा है उतना है और डायरेक्ट आप रजिस्ट्री करा रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ एक रजिस्ट्री आनी जो आपके नाम से है, बाकी अगर कोई पट्टा वगैरह उसमें मिलता है तो पट्टा वगैरह आपके नाम से जो भी अलॉट होता है वो आपको मिलना होता है, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट उसमें नहीं आते। लेकिन बीच में अगर चेन लंबी है, जैसे पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी किसी की, उन्होंने बंटवारा करके आगे बेच दी, किसी के पास में पुश्तैनी मिली थी, उसके वसीयत से मिली थी, उसको मुख्तार नाम से मिली थी, मतलब पावर से मिली थी, तो आगे जाकर के उसने प्रॉपर्टी बेची, तो सबकी उनकी कॉपीज कोशिश करें कि उनकी सारी की सारी जो चेन है वो लेने की कोशिश करें ताकि आपको लोन होने में परेशानी नहीं आए। काफ़ी बार लोन इसी वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, सर लीगल के पैसे लग गए, लीगल रिपोर्ट बनाने के पैसे लग गए, पता चला लोन होना ही नहीं है, क्यों, लीगल खराब है, सब टेक्निकल खराब है, जैसे अपने रोड वाला मसला बताया। तो कोशिश ये करें कि आप डॉक्यूमेंटेशन एटलीस्ट उनसे पूरे के पूरे कंप्लीट लेकर के फिर आप आगे चलें, तो अगर लीगल में अगर कोई इशू है तब भी आपको लोन नहीं होता है। और अगर इसकी कोई जानकारी लेनी भी होती है तो कोई एक अच्छा से एजेंट या किसी अच्छे जानकार कंपनी के एम्प्लॉय से मिल करके या बैंक के एम्प्लॉय से मिल करके उससे बात करके जहाँ तक होता है उन्हीं को थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि चेन क्लियर है या नहीं है। नहीं होती तो फिर अपने लीगल एडवोकेट के पास वो भेज देते हैं, वहाँ जा करके भी आप क्लियर करवा सकते हैं, चेक करवा सकते हैं। तो ये भी एक जानकारी है आपको कि मतलब ये मेरी तरफ से आपको जानकारी है कि आप अगर प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो आप लीगल भी ज़रूर चेक करें, डॉक्यूमेंटेशन आप उसमें भी थोड़ा सा ओके रहें, तब जाकर के आप आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। एग्रीमेंट कराने से पहले आप चेन चेक करवा लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि सब्सक्राइब तो करना ही करना है, लाइक भी करना है और शेयर तो करना ही करना है।